अब बात करते हैं, एक कण ब्रह्म अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऐसे माध्यम में गिर रहा है कण। कण ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग स्क्वायर के समानुपाती वेग स्क्वायर के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, आर समानुपाती किसके है, आर समानुपाती वी स्क्वायर है, आर समानुपाती वी स्क्वायर है। तो हमें पता है कि आर समानुपाती किसके भी होता है, एम के भी होता है, तो हमारा जो आर है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा एम के वी स्क्वायर, एम के वी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एम के वी स्क्वायर ये हो गया हमारा। अब ये कण यहाँ से गिर रहा है, मान लो कण यहाँ से गिर रहा है, ये बिंदु ए से, जब यहाँ से गिरेगा तो प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में टी बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, वी बराबर जीरो, वेग बराबर जीरो होगा। अब क्या करेंगे, मान लो कि ये किसी समय टी पर बिंदु बी पर पहुँच जाता है, तो यहाँ हमारा वी वी हो जाता है, एक्स एक्स हो जाता है और टी टी हो जाता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है संबंध निकालने हैं, गति में गति की विवेचना करनी है। गति की विवेचना से तात्पर्य क्या है, वेग में और समय में संबंध निकालना है, समय और दूरी में, दूरी और वेग में। तो क्या करेंगे, गति समीकरण क्या हो जाएगी हमारी, गति समीकरण क्या होगी, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर कितना, एम जी, एम जी किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर, एम जी नीचे की ओर कार्य करेगा, माइनस आर। तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या रह जाएगा, एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे इसमें किसका मान, के का मान निकालेंगे, एम तो कट जाएगा तो ये रह जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर कितना, जी माइनस के वी स्क्वायर। तो अंतिम वेग कैपिटल वी होने पर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, जीरो, यहाँ रख दें जीरो, तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा, ये जी माइनस के कैपिटल वी स्क्वायर, जी माइनस के कैपिटल वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से के का मान क्या निकल के आएगा, के बराबर हो जाएगा जी अपॉन वी स्क्वायर। तो जो हमारे पास में समीकरण एक है, गति समीकरण ये वाला समीकरण एक, अब इसमें हम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का मान रखेंगे, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, समीकरण कौन से में, समीकरण एक में, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर कितना, डी वी अपॉन डी टी रखने पर, तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जी माइनस के वी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले लें तो डी वी अपॉन जी माइनस के वी स्क्वायर बराबर क्या रह जाएगा, डी टी,
इतना रह जाएगा ये। और इसका समाकलन करने के लिए हम k का मान रख देते हैं, k बराबर कितना g अपॉन कैपिटल v स्क्वायर रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये dv अपॉन g माइनस k का मान रख देते हैं g अपॉन v स्क्वायर और इंटू स्मॉल v स्क्वायर बराबर कितना है dt बराबर dt लिख दिया, g कॉमन आ रहा है इसका गुणा इसमें होगा ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन g और dv वन अपॉन कितना बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर डी टी हो जाएगा। और दोनों क्या कर देंगे इसका समाकलन, इसका समाकलन कैसे होगा ये वी स्क्वायर अपॉन जी है तो इसका समाकलन करने के लिए क्या करें, वी स्क्वायर अपॉन जी तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इसका समाकलन क्या होगा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का वन अपॉन टू ए, ए का काम कैपिटल वी कर रहा है इंटू लॉग कितना वी माइनस वी अपॉन वी, वी प्लस वी ऊपर आएगा ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता है वी माइनस वी बराबर कितना टी प्लस सी, यहाँ एक वी कट जाएगा तो क्या बचेगा तो ये बच जाएगा कितना वी अपॉन जी और कितना आ जाएगा लॉग वी माइनस स्मॉल वी अपॉन नहीं वी प्लस स्मॉल वी ऊपर है माइनस का नीचे है माइनस स्मॉल वी इक्वल टू कितना टी प्लस सी ऐसा रह गया। हम क्या करेंगे प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे, प्रारंभ में t बराबर जीरो है और v बराबर भी जीरो है तो v बराबर जीरो हो जाएगा, t बराबर जीरो हो जाएगा तो v बटी भी बचेगा जिसका मान log वन, log वन का मान एक होता है तो ये क्या हो जाएगा v अपॉन g log v अपॉन v बराबर कितना जीरो प्लस c, v से भी कट जाएगा तो इसका मतलब c बराबर क्या आ जाएगा जीरो, v से भी कट गया तो log वन बचेगा। ऐसा क्यों होगा क्योंकि log वन की वैल्यू क्या होती है जीरो, log वन की वैल्यू जीरो यहाँ रख देंगे तो c का मान जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ v अपॉन g log v प्लस स्मॉल v अपॉन v माइनस स्मॉल v बराबर रह जाएगा t, इसको इधर भेज दें इसको नीचे भेज दें तो क्या रह जाएगा ये log v प्लस वी अपॉन वी माइनस वी बराबर जी टी अपॉन वी, लॉग को इधर भेज दें तो क्या रह जाएगा ये v प्लस वी अपॉन वी माइनस वी बराबर कितना हो जाएगा टू और रह गया इसमें ये वाला टू तो यहाँ पर आएगा ये वन अपॉन टू ए यहाँ पर आ जाएगा टू तो यहाँ टू आएगा यहाँ टू आएगा तो ये टू यहाँ चला जाएगा तो ये रह जाएगा कितना e की पावर टू जी टी अपॉन वी तो क्या करेंगे इसमें v प्लस वी अपॉन वी माइनस वी बराबर इसको कैसे लिख लेंगे e की पावर जी टी अपॉन वी इंटू e की पावर कितनी जी टी अपॉन वी इसको ऐसा लिख लेंगे। दो था एक एक में तोड़ दिया ये, अब इसमें इसको नीचे ले आते हैं तो ये रह जाएगा v प्लस स्मॉल v अपॉन v माइनस स्मॉल v की वैल्यू क्या रह जाएगी e की पावर जी टी अपॉन v ऊपर और e की पावर माइनस का जी टी अपॉन v हो जाएगा ठीक है। अब इसमें हम क्या लगा दें योगांतरानुपात नियम, योगांतरानुपात योगांतरानुपात नियम से योगांतरानुपात नियम में क्या होगा v प्लस वी में से घटेगा ये कौन सा v माइनस स्मॉल v और v प्लस स्मॉल v योगांतरानुपात नियम लगा रहे हैं इसमें और v प्लस वी में क्या होगा जुड़ेगा
कौन सा वी माइनस वी प्लस, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया, माइनस था तो ब्रैकेट लगा लिया, तो इसके ऊपर ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी टी अपॉन वी और माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी, अपॉन में क्या रह जाएगा ई की पावर जी टी अपॉन वी माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी, तो ये होता है हमारा टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ यहाँ पर क्या होगा, ये वी कट जाएगा, टू वी स्मॉल वी बचेंगे, टू स्मॉल वी अपॉन यहाँ कैपिटल टू वी बच जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी। ये पूरा फॉर्मूला टेन हाइपरबोलिक का है, टू से टू कट गया, वी को उधर भेज दें तो स्मॉल वी की वैल्यू क्या आ जाएगी कैपिटल वी और टेन हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी, ये वी की वैल्यू आ गई। तो ये संबंध किन किन में हो गया, जो कि किन किन में है, जो कि वेग और समय में संबंध है, जो किसमें संबंध है, वेग और समय में संबंध है। तो ये हमारा v है, v का मान लिख देते हैं dx अपॉन dt बराबर क्या v tan हाइपरबोलिक gt अपॉन v। हम क्या करेंगे dt को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा ये तो हमारा डी वी इक्वल टू हो जाएगा कितना, डी एक्स इक्वल टू क्या रह जाएगा वी टेन हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी इंटू डी टी, और ये हमारा डी एक्स रह जाएगा ऐसा वी टेन हाइपरबोलिक जी टी अपॉन, तो इसका समाकलन x हो जाएगा, इसका समाकलन तो x हो गया, तो बराबर क्या बचेगा v tan हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक का क्या होता है log cos हाइपरबोलिक gt अपॉन v, और इसका गुणांक नीचे आ जाएगा क्या g अपॉन v, t का गुणांक नीचे आ जाएगा g अपॉन v प्लस कोई कांस्टेंट c, हम c का मान निकालेंगे, ये v यहाँ चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन g और क्या, और कितना हो जाएगा ये log cos हाइपरबोलिक gt अपॉन v प्लस c, ऐसा रह जाएगा ये। तो प्रारंभ की शर्तों से, प्रारंभ में क्या है t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब c बराबर हमारा 0 आ जाएगा, c बराबर 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये log 1 होगा, log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ हम t की जगह 0 लिखेंगे तो cos हाइपरबोलिक 0, cos हाइपरबोलिक 0 का मान 1 होता है, तो log 1 हो जाएगा ये, log 1 का मान 0, तो x भी 0, log 1 भी 0, तो c का मान 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा x क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन g और कितना log cos हाइपरबोलिक gt अपॉन v। ये हमारा किस किस में संबंध आ गया, ये संबंध आ गया हमारा x और t, इसका मतलब क्या है दूरी और समय में, जो कि दूरी और समय में संबंध है, ये संबंध किस में है दूरी और समय में। अब हम निकालेंगे कौन सा संबंध, वेग और दूरी में, वेग और दूरी में निकालने के लिए क्या करेंगे, वेग और दूरी में निकालने के लिए जो हमारे पास में समीकरण एक थी उसमें हम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, कौन से समीकरण में, समीकरण एक में, समीकरण एक में d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे,
वी डी वी अपॉन डी एक्स रखने पर, तो समीकरण एक में रखते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या रह जाएगा, जी माइनस के वी स्क्वायर, जी माइनस के वी स्क्वायर रह जाएगा। इसको इधर ले आए तो वी अपॉन में क्या जी माइनस के वी स्क्वायर डी वी बराबर क्या रह जाएगा डी एक्स, और दोनों ओर क्या कर देंगे हम इसका समाकलन, ठीक है इसका समाकलन कर देंगे जी माइनस के वी स्क्वायर का। कैसे करेंगे, नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला वी मिल जाएगा, या फिर क्या करें इसमें हम के का मान लिख देते हैं, पहले के का मान लिखेंगे तो क्या होगा, या फिर के में ही रहने दो उसको, तो माना कितना जी माइनस के वी स्क्वायर बराबर टी, इसका मतलब क्या होगा माइनस टू के वी डी वी बराबर डी टी, इसका अवकलन कर देंगे, के कांस्टेंट है वी स्क्वायर का टू भी हो जाएगा और डी वी बराबर कितना डी टी, ठीक है ऐसा रह जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे टू बी नीचे भेज देंगे, तो वी डी वी बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस टू के, डी टी अपॉन माइनस टू के हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे इसका मान रख देते हैं, तो ये समाकलन चेंज होकर हो जाएगा माइनस का वन अपॉन टू के, कॉन्स्टेंट बाहर कर लें, वी डी वी की जगह डी टी अपॉन टू माइनस टू के लिख रहे हैं वो तो बाहर आ गया, तो वन अपॉन टी रह जाएगा यहाँ पर केवल, और इधर को समाकलन कर ही देते हैं एक्स प्लस सी, इसका समाकलन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो कितना होगा ये माइनस का वन अपॉन टू के ये लॉग टी हो जाएगा बराबर एक्स प्लस सी, तो माइनस का वन अपॉन टू के और क्या है लॉग टी का मान क्या है टी का मान जी माइनस के वी स्क्वायर है, जी माइनस के वी स्क्वायर बराबर क्या एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे इसमें एक्स का मान और वी का मान रख देते हैं, प्रारंभ की शर्त रखते हैं, प्रारंभ में एक्स बराबर जीरो वी बराबर जीरो रखने पर क्या आएगा सी बराबर जीरो हो जाएगा, वी बराबर जीरो रखेंगे और एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो सी बराबर जीरो नहीं आएगा, सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस के वन अपॉन टू के और लॉग जी ऐसी आ जाएगी, तो सी का मान यहाँ रख देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा माइनस का वन अपॉन टू के और लॉग कितना माइनस का वन अपॉन टू के लॉग जी माइनस के वी स्क्वायर बराबर कितना एक्स माइनस का वन अपॉन टू के और लॉग जी माइनस का वन अपॉन टू के लॉग जी रह जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इसको इधर भेज देते हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा ये वन अपॉन टू के कॉमन लॉग जी अपॉन जी माइनस के वी स्क्वायर, यहाँ से ये निकल कर आएगा ये जी है हमारा, तो ये हमारा संबंध किस में हो गया जो कि संबंध किस किस में हो गया एक्स और वी में, जो कि एक्स और वी में संबंध है, एक्स और वी का मतलब क्या है एक्स और वी से तात्पर्य है किस में दूरी में और वेग में संबंध है,